बात की स्थिति तो आपने देख ली है, लेकिन बल्लभगढ़ में भी ऐसी ही स्थिति है जहां पर सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। देखिए हमारे संवाददाता ने कवर किया इसको। पूरे शहर का मुआयना करने के बाद अब हम पहुंचे हैं यहां पर बल्लभगढ़ के जो जिला बस अड्डा है वहां पर पहुंचे हैं, जहां से पूरे प्रदेश में लोग अपने गंतव्य तक जाते हैं बसों में सवार होकर। लेकिन यहाँ आप साफ तौर से देख सकते हैं कि घुटने घुटने पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और मेरे पीछे जहाँ आप देख रहे हैं सामने, यहाँ रोजाना बस लगती थी और जहाँ से सवारियाँ भरकर अपने गंतव्य तक जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी ना तो बस है और ना ही यहाँ पर कोई सवारी है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है, यहाँ कोई भी पानी के निकासी का कोई साधन दिखाई हमें नहीं दे रहा है। लेकिन आप अगर बात करें अंदर की, तो आप बस अड्डे के अंदर का हाल भी आपको हम दिखाते हैं। ये हाल है बल्लभगढ़ के जो बस अड्डे का अंदर का हाल है, आप देख सकते हैं सामने मेरे, जहां पर जो टिकट घर है वहां पर एक सवारी आई हुई है और शायद हो सकता है बस ना मिली हो, तो अब आराम से वो वहाँ पर सो रहे हैं। और यहाँ सामने देख सकते हैं जिन पर लोग बसों का इंतज़ार करते थे, वो कुर्सियाँ पानी में डूबी हुई हैं और पूरी तरह से अंदर तक बस अड्डे में पानी भरा हुआ है। और मेरे सामने ऊपर देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं यहाँ के, वो ऊपर जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है उस पर वहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पानी नीचे पूरी तरह से भर गया है। और ये आप देख सकते हैं साहिबान तो यहाँ पर अपनी बाइक से ही अंदर बस अड्डे में घूम रहे हैं, क्योंकि पानी चारों तरफ भरा हुआ है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो दावे निगम द्वारा किए गए थे कि यहाँ पर पानी के निकासी को लेकर, वो यहाँ पर पूरी तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र।